वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के आज एक और पार्ट डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में अगर आप देखेंगे तो आपके पास में कुल मिलाकर के एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि फोर पार्ट थे, 2023 की बात कर रहा हूँ दिसंबर की, चार में से कोई भी तीन अटेम्प्ट करना था आपको। तो ऑलरेडी दो का मैं सॉल्यूशन बता चुका हूँ आपको और आज मैं आपको थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट अगर आप देखते हैं तो आपके पास में अकॉर्डिंग टू एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द 40,000 रुपीज, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 40,000 रुपीज का आपने इन्वेस्टमेंट करा स्टार्टिंग में, आपने एक इन्वेस्टमेंट करा 40,000 रुपए का। इज एक्सपेक्टेड टू यर्ड आई यूनिफॉर्म इनकम स्ट्रीम, आपको जो है हर बार एक समय के बाद टी टाइम के बाद, टी मीन्स आपके पास में एंड टी के बाद में आपको ऐसा आर आपको एक इंस्टॉलमेंट आपको रिटर्न मिला करेगा 5,000 रुपए पर एनम, साल का है तो टी। इफ मनी वर्थ रेट आई इक्वल्स टू 5% को आप करेंगे तो 0.05 पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पे बैक पीरियड? सवाल यह है कि भैया आपने 40,000 रुपए डिपॉजिट करवाया, इन्वेस्टमेंट किया आपने और कुछ समय के लिए उस पैसे को छोड़ दिया और उसके बाद आपने कहा और आपको जो ऑफर किया गया कि कुछ समय के लिए 40,000 रुपए छोड़ दीजिए, उसके बहुत समय के बाद आपको एज अ 5,000 रुपीज आपको रिटर्न मिलने लग जाएगा। तो इफ द मनी वर्थ रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पे बैक पीरियड दैट द आफ्टर व्हाट टाइम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड। अब सवाल यह है कि कितने समय के बाद आपका जो 40,000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट करा था वो आपका 40,000 आपको वापस रिटर्न मिल जाएगा, कितने समय के बाद आपको ये चीजें रिटर्न मिलेंगे। क्लियर है बच्चे? तो सिंपल सी बात है कि आप यहां पर बेसिकली आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू अगर आप निकालते हैं कंटिन्यूअसली का, तो आपके पास सम ऑफ अमाउंट करेंगे आप इनटू ई रेस टू पावर ई क्यू, क्योंकि कंटिन्यूअसली वाला सीन है, ई क्यू करेंगे आप क्योंकि कंटिन्यूअसली लिखा हुआ है। तो उसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 0 to n एंड आर रेस्ट ई रेस्ट टू पावर आई इंटू टी दिस वन। ये आपका अगर आप 5,000 रुपए इन फ्यूचर आपको रिटर्न मिल रहा है उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो कि आपका वो 40,000 रुपए बन जाए, कितना आ जाए वो आपका 40,000 रुपए बन जाए। तो कितने समय के में आपका रिकवर होगा ये आपको मेंशन नहीं है, लेकिन आपको वो पैसा इंस्टॉलमेंट तो मालूम है ना, जीरो, ये क्या है आपको टी टाइम के लिए पैसा आपने रखा हुआ है। तो आर आपके पास में कितना इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है। ई रेस टू पावर आई, आई तो आपको मालूम है 0.05 और इंटू टी, टी आपके पास में आपको नहीं मालूम। क्लियर है बच्चे? अब आप इसको सॉल्व करते तो प्रेजेंट वैल्यू आपको मालूम है 40,000 आपने प्रेजेंट वैल्यू बनाना है, 40,000 प्रेजेंट वैल्यू बनाना है। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके पास में कॉन्टिन्यूसली केस में प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू आपके पास में आर इंटीग्रेशन आर ई रेस टू पावर आई टी, ये इसका फॉर्मूला है बेसिकली। तो आप 40,000 रुपीज है, अब यहां पर आप कैलकुलेट करते हैं बच्चे, सॉरी माइनस है, ठीक है ना, फॉर्मूले माइनस है दिस वन। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, मैं ई रेस टू पावर 2x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाद में करना, पहले डिफरेंशिएशन करो इसका। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे अगर आप तो क्या आएगा, ई रेस टू पावर 2x ई रेस टू 2x ही होगा इंटू एक्स के जो भी है अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो डी अपॉन डी एक्स किसका करोगे आप, 2x का करोगे, तो क्या आएगा आपका ई रेस टू पावर 2x इंटू 2
ये आएगा तो 2e^2x आ जाएगा अगर आप में डिफरेंशिएशन करा तो। इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसका डिफरेंशिएशन है ये, इंटीग्रेशन मतलब था किसका डिफरेंशिएशन है ये। तो कैसे निकालोगे आप इसको, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं मीन्स किसका डिफरेंशिएशन है ये, तो आप सबसे पहले कॉन्स्टेंट फिगर को बाहर निकाल लो और ई रेस्ट पावर जो है उसको एज इट इज रहने दो, और जो कॉन्स्टेंट नंबर है ना आप उससे क्या करो डिवाइड कर दो, तो आपका पता लग जाएगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो अगर इंटीग्रेशन होता था किसका डिफरेंशिएशन है ये बताओ, तो पता लगे ये ई रेस्ट पावर 2x का दिस वन ई रेस्ट पावर 2x का डिफरेंशिएशन है। तो इसी तरीके से मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है मीन्स किसका डिफरेंशिएशन है। तो ये भी बहुत सिंपल है, कैसे आप निकालोगे वो भी समझिए। 40,000 इक्वल्स टू, पहले कांस्टेंट फिगर को बाहर निकालो, बताया था ना अभी मैंने आपको 5,000 रुपये, और उसके बाद जो पावर है -0.05 डिवाइड करो। ठीक है बच्चे, क्या आ जाएगा मेरे पास में इंटीग्रेट होकर के ई रेस्ट टू पावर -0.05 एंड वैल्यू पुट करनी है 0 to t। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई आपको, कोई डाउट? अब सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां पर तो 2 0 लगा दिया, यहां पर 1 काट दिया, तो 40,000 इक्वल्स टू -1,00,000 एंड एक बार आप इसके फिगर में क्या करो, यहां पर दो वैल्यू रिप्लेस करनी है, एक बार टी रिप्लेस कर दो और एक बार 0 रिप्लेस कर दो दिस वन। सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास वन, यहां वन आ जाएगा इसको, क्योंकि हर नंबर एक वन का मल्टीपल तो होता ही है, डिवाइड कर दो या इसको यहीं लिया, कहानी खत्म करो। 40,000 अपॉन 1,00,000 इक्वल्स टू ई रेस्ट टू पावर -0.05 t एंड माइनस पावर कभी भी किसी की जीरो हो तो उसकी जगह क्या आता है वन आता है। ठीक है बच्चे, 40 से 40 कैंसिल, माइनस 2/5 इक्वल्स टू 2e^2 -0.05 t एंड -1 एंड सॉल्व करेंगे -0.4 एंड +1 इक्वल्स टू e^2 -0.05 t। सॉल्व करेंगे 0.6 आ जाएगा इक्वल्स टू e^2 -0.05 t। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? अब क्या करेंगे, अब आपको t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो t को इसको नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या हो गया आपके पास में, लॉग 0.6 इक्वल्स टू नीचे आ जाएगा -0.05 लॉग t, नीचे आ जाएगा पूरा इंटू लॉग e। अब सॉल्व लॉग e आएगा, सॉल्व करेंगे लॉग 0.6 की वैल्यू निकालेंगे, बेसिकली आपके पास में है लॉग, लिख सकता हूं 6/10 यही लिखेंगे इसको, है ना, इक्वल्स टू -0.05 t एंड लॉग e। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 6 माइनस लॉग 10। अब लॉग 6 आप निकालने की वैल्यू निकालेंगे, तो लॉग टेबल में लॉग 6 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, लॉग 6 की वैल्यू आप लिख लो लॉग 6.00, तो 60 पे 0 देख लो आप, लॉग टेबल का है हमारे पास में ये रहा लॉग टेबल, 60 पे 0 7782। क्लियर है, जितने भी डिजिट है उसमें से 1 माइनस कर दो 0, तो 0 point something ये इसकी वैल्यू आई। ठीक है बच्चे, लॉग 6 की, जीरो पॉइंट सतहत्तर बयासी और लॉग 10 की वैल्यू क्या आएगी, लॉग 10 की वैल्यू आएगी मेरे पास 0 और एक 1.0 दिस वन। क्लियर है बच्चे, और इक्वल्स टू -0.05 t और लॉग e की वैल्यू क्या होती है,
पॉइंट 43 होती है ई की वैल्यू, ये समझ में आया बच्चे? 0. मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ पेज को, ठीक है? अब देखेंगे अगर आप, हाँ 0. क्या है मेरे पास में? 0.7782 - 1, 0.7782 - 1 इक्वल्स टू -0.05 टी इंटू लॉग ई की वैल्यू, ये लिखी हमने। सॉल्व करते हैं इसको, अगर हम 0.7782 - 1 तो -0.2218 इक्वल्स टू 0.05 इंटू 0.43 -0.02171 टी, माइनस है माइनस कैंसिल एंड टी इक्वल्स टू 0.2218 अपॉन 0.0217 एंड टी इक्वल्स टू 0.2218 डिवाइडेड बाय 0.0217 10.22। ये आपके पास में बचे, इतने टाइम के बाद आपका आपकी जो है रिकवरी हो जाएगी आपके 40,000 इन्वेस्टमेंट के। क्लियर है? ये सवाल समझ पाए आप, उम्मीद करता हूं, क्योंकि इसमें आपका बेसिकली क्या है, कैलकुलेशन फंस रहा है। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने बार बार आपको पिछले दो क्लासेस में समझा दिया कि लॉग डेसिमल की लॉग की वैल्यू नहीं निकालनी आती है, आप इसको करो और प्रॉपर्टी लगा दो लॉग ए माइनस लॉग बी। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चे क्वेश्चन आपको? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? बाकी अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।